अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रिश्मा खान रेसिपीज़ एंड ब्लॉग्स। और आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी लोग खैरियत से होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम लोग भी सब खैरियत से हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबकी दुआओं को पूरा करें। और चलिए फ्रेंड्स, आज ईद उल अदा स्पेशल मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कोरमा, जो कि बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ले लिया है लगभग 1 किलो चिकन ले लिया, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। पानी इसको बिल्कुल एकदम आपको सुखा लेना है, और सबसे पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैंने लगभग यहाँ पर 200 ग्राम जो है दही ले लिया है, 1 टी स्पून मैंने ले ली है लाल मिर्च का पाउडर, 1 टी स्पून ले लिया है मैंने हल्दी पाउडर, और 1 टी स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं फ्रेंड्स, और 1 टीस्पून डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ अदरक का पेस्ट डाल दिया है। और फ्रेंड्स पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन को मैं ढककर रख दूँगी लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए, और फ्रिज में रख दूँगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने गैस की फ्लेम को ऑन कर लिया, कुकर रख दिया है, प्रेशर कुकर में बना रही हूँ ताकि अच्छे से जल्दी से जो है हमारा चिकन जो है वो कोरमा बनकर तैयार हो जाए। तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ की 4 प्याज ले ली थी, इसको बारीक काट लिया है। तो मैंने कुकर में जो है फ्रेंड्स डाल दिया था लगभग 4 बड़े चम्मच ऑयल, उसमें मैंने 4 बड़े साइज़ की प्याज डालकर भून ली है, उसका बरिस्ता बना लिया है फ्रेंड्स। और अच्छे से प्याज को जो है आपको भूनना है। देखिए जैसे कि मैंने भूना है, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, इसी से जो है कोरमे का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी खसखस। फ्रेंड्स मिक्सर में रख दिया है मैंने सारी चीज़ों को, इसका पेस्ट बनाना है। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ले रही हूँ चिरौंजी, और यहाँ पर फ्रेंड्स हम ले रहे हैं बादाम। तो यहाँ पर लगभग 6 से 7 बादाम यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी। अगर आप चाहें तो इसको भिगोकर भी बादाम को आप पीस सकते हैं। तो अगर मैं एकदम फटाफट से जो है रेसिपी बना रही हूँ जल्दी, तो इसलिए मैं तुरंत डाल रही हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पिस जाएंगे। और 1 टीस्पून यहाँ पर नारियल का बुरादा जो होता है, नारियल का पाउडर, तो वो डाल रही थी, थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और डाल दिया। लगभग 2 टेबल स्पून मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। और 1 चाय वाला कप जो है यहाँ पर पानी डाल देंगे हम कप से, और इसको जो है सारी चीज़ों को हम डालने के बाद इसका पेस्ट बना लेंगे। और थोड़ा दरदरा सा फ्रेंड्स आपको पेस्ट बनाना है, एकदम फाइन नहीं बनाइएगा, थोड़ा दरदरा सा रहता है तो कोरमे में बहुत ही अच्छा एक टेक्सचर आता है, कलर आता है, और खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, तो इस तरह का आपको पेस्ट जो है तैयार करना है। अगर आपका जो मसाला पेस्ट नहीं रहा है तो थोड़ा सा पानी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यह मसाला हमारा तैयार हो गया, एक साइड में रख देती हूँ। उसी कुकर में और उसी तेल में मैंने यहाँ पर 1 तेज़पत्ता तोड़ कर डाल दिया है, 2 हरी इलायची ऐड कर दूँगी। तो थोड़े से यहाँ खड़े मसाले हम यूज़ कर रहे हैं, 4 से 5 यहाँ पर मैंने लौंग डाल दी हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 जावित्री का टुकड़ा, 2 मैंने लाल इलायची ले ली हैं, छोटे छोटे टुकड़े थे, बड़े अगर आप डाल रहे हैं तो 1 डालिए। और थोड़ा डालने के बाद गर्म मसाले तुरंत हम यहाँ पर चिकन डाल देंगे जो हमने मैरिनेट कर रखा था, और इसको फ्रेंड्स अच्छे से चला लेंगे। और माशाल्लाह कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा। और बर्तन में फ्रेंड्स जो मसाला लगा हुआ था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसको हिलाकर डाल दिया है, क्योंकि हमें खाने की कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और माशाल्लाह देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से खोला हुआ मैं जो है चिकन को थोड़ा सा लगभग 5 से 10 मिनट इसी तरह से भून लूँगी, पका लूँगी। इस तरह से अगर आप ये वाला स्टेप करेंगे तो कोरमे का जो खाने का जो फ्लेवर आता है ना टेस्ट, वो और भी ज़्यादा बढ़िया आता है, और चिकन में अच्छे से अंदर से मसाले जो होते हैं वो अच्छे से चिकन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने डाल दिया है 1 कप पानी, जो कि चाय वाले कप से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन भी जो है वो पानी छोड़ता है। 1 कप पानी डालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैं कुकर की लिड को लगा दूंगी, और यहाँ पर फ्रेंड्स हमें लगभग 2 सीटियाँ लेनी है। 2 सीटियाँ आने के बाद तुरंत आपको गैस बंद कर देनी है। और तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने यानी कुकर की लिड फ्रेंड्स खोल दी है, और इसमें देखिए थोड़ा सा पानी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको हम इसी तरह से खुला हुआ इसको भूनेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए कलर इसका बढ़िया एकदम आ गया है। अगर आप चाहें तो इसमें कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, मगर ऐसे भी माशाल्लाह इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने मिक्सर में जो इसका पेस्ट बना कर रखा था, मसाला पीस कर रखा था, वो भी हम यहाँ पर इसमें इस टाइम पर ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फ्रेंड्स देखिए कलर एकदम ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना, और ऐसे इसको खुला हुआ है आपको जो है भूनना है। तो थोड़ा सा मैं इसको 2 मिनट तक ऐसे ही कुकर की लिड को ऊपर से ढक दूंगी, और उसके बाद मैंने खोल कर देखा तो फ्रेंड्स देखिए पानी जो है वो सारा एकदम सूख गया है, और हमारा जो मसाला है वो एकदम से भून गया है। और देखिए एकदम सरफेस पर अच्छे से इस पर कलर आ गया है, ऑयल आ गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो चिकन है अच्छे से भून गया है। अब यहाँ पर पानी लगाना है, तो आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं जितना आपको ग्रेवी चाहिए। तो मैं चाय वाले कप से 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, ज़्यादा मैं ग्रेवी नहीं रखूँगी, थोड़ा सा जैसा कि हम लोग होटल वगैरह में खाते हैं या होटल से लाते हैं तो बढ़िया होता है, एकदम गाढ़ापन होता है उसमें, ऐसा ही मैं बनाऊँगी फ्रेंड्स।
तो यहाँ पर जो है मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, कुकर की लिड को लगा देंगे और 1 सीटी आने तक हम इसका वेट करेंगे। 1 सीटी लूँगी मैं और उसके बाद तुरंत हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने दूसरी वाली गैस पर जो है रख दिया है मैंने तड़का पैन। फ्रेंड्स इसमें मैंने 4 टेबल स्पून डाल दिया है घी, और घी जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा, गर्म हो जाए, तुरंत हम इसमें मखाने ऐड कर दूंगी मैं। आप जितना चाहें उतनी क्वांटिटी में मखाने ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लगभग 15 से 20 मैंने मखाने जो है वो रोस्ट कर लिए हैं अच्छे से घी में, और यहाँ ऊपर से मैं इसको डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, एकदम मार्केट जैसा फ्लेवर और कलर आता है, मार्केट जैसा एकदम लगता है, शादियों वाला एकदम कौरमा लगता है। ऊपर से 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर देंगे जो कि मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मौजूद है, और आप इसको जो है अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगी गरम मसाले की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा माशाल्लाह शादियों वाला एकदम बढ़िया टेस्टी और एकदम दिखने में भी लाजवाब लग रहा है कोरमा हमारा बनकर रेडी हो गया। तो आप लोग भी जो है ईद उल अधा को जो है अच्छे से इन्जॉय कीजिए, कोरमा बनाइए, गरम गरम नांदे मंगाइए और खाइए, इन्जॉय कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको फ्रेंड्स जो है प्लेटिंग करके दिखा रही हूँ, और माशाल्लाह देखिए कितना ज़्यादा बेहतरीन कलर आ रहा है। माशाल्लाह मेरे तो मुँह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, और फटाफट से मैंने जो है गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई थी और सब लोगों ने खाया, माशाल्लाह सब ने बहुत तारीफ़ की। तो इंशाल्लाह ऐसे ही आपकी भी तारीफ़ होगी, तो आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। प्याज के साथ यहाँ पे सर्व करी हुई हरी मिर्च डाल दी है, और यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म रोटी बना ली थी। तो फ्रेंड्स मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो जो है खाना खाने फ़ौरन बैठ नहीं वाली हूँ। तो आप लोग भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, और फिर से दिल से तहे दिल से पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे जितने भी भाई बहन, मेरे रिश्तेदार, जितने भी सब लोग हैं, अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगियों को लंबा करे, सबकी दुख तकलीफ़ दूर करे। अल्लाह ताला जिस जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा दे, सबको अच्छा रखे, सबके माँ बापों को अल्लाह लंबी उम्र दे, अल्लाह ताला सबके दिलों को मिलाए, बिछड़ों को मिलाए, अल्लाह ताला सबको खुशियाँ दे इस ईद उल अधा के मौके पर। आप सभी लोग एक दूसरे से मिलिए, क्योंकि ज़िंदगी दोस्तों बहुत छोटी है और कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं, इसलिए प्यार मोहब्बत से मिलजुल के रहिए, खाइए पिए, इन्जॉय कीजिए। जो है वो आज है, आगे का पता नहीं, तो आप लोग सब इन्जॉय कीजिए फ्रेंड्स, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए सब लोग और फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको मिल सकें। और माशाल्लाह गोश्त देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट एकदम बढ़िया हो गया है, अंदर से देख रहे हैं ना आप कितनी आसानी से टूट रहा है, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया, गल गया है। तो यहाँ तो मैं तो फटाफट से खाने में लग गई हूँ, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। तो आप लोग भी बनाइए, इन्जॉय कीजिए, फिर से हाजिर होती हूँ आप लोगों के साथ कोई अच्छी सी रेसिपी के साथ इसी तरह से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में हमेशा याद रखें, और सबके लिए दुआ करिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।